हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। फोर स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो पेरेंट्स बन गए हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। देखिए, बच्चों की परवरिश कैसे करें ये जानने के लिए बातें तो देखिए बहुत ढेर सारी हैं, बट मैंने यहाँ कुछ आपको 4 से 5 बातें बताई हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने इन बातों को ध्यान से ट्रूली फॉलो किया तो आप बन जाओगे बेस्ट पेरेंट अपने बच्चों के। तो देखिए, इस पे 4 से 5 बातें मैंने नोट की है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। ये तो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, इसके लिए आपको कुछ भी डीवीडी देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी छोटी बात है। देखिए, ऑब्वियसली हम पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जब जबकि हमें पता चलता है ना, जैसे ही कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो हम तभी से अपने बच्चों के लिए सपने देखने लगते हैं, उम्मीदें रखने लगते हैं कि हम अपने बच्चों को ये फैसिलिटी देंगे, उनको ऐसे रखेंगे, उनको ऐसे रखेंगे। बट क्या हम अच्छी तरह से परवरिश करते हैं अपने बच्चों की? सच बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। अगर आप अच्छे से परवरिश करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं करते हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, बच्चों की परवरिश के लिए हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, भले ही हम वर्क कर रहे हो, ऑफिस जाते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम पेरेंट्स पर, बट फिर भी आपका बच्चा है, उसके लिए आप कुछ थोड़ा सा टाइम निकालो। तो टाइम निकाल के अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो एंड तक जरूर देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ और मैं अच्छी अच्छी पेरेंटिंग वीडियो, मोटिवेशन वीडियो और अच्छी अच्छी रेसिपी जो भी मैं अपलोड करूँ वीडियो, वो आप तक सेफली पहुंचे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है क्वालिटी टाइम। हम पेरेंट्सों का फर्ज है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी टाइम है क्या। क्वालिटी टाइम वो होता है जो स्पेशली स्पेशली बच्चों के लिए ही हो, इसमें कोई भी इन्वॉल्व ना हो। ओके, बट हम पेरेंट्स, हम मदर्स करते क्या है? अब मैं ये बात आपको बता रही हूँ तो आप में से कई लोग कमेंट करेंगे या फिर कई लोग सोचेंगे कि अरे, हम तो बच्चे के साथ टाइम बिताते हैं, बच्चे को टाइम देते हैं, फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है कि क्वालिटी टाइम देना चाहिए। ओके, आप टाइम देते हो, बट कैसे देते हो? कई मदर्स ऐसी होती है कि चलो चलो बेटा, अपन मतलब हम लोग साथ में बैठते और बैठ जाती है, टीवी में सीरियल देख रही है, रियलिटी शो देख रही है जिसमें बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसको बिल्कुल भी कुछ मतलब ही नहीं है, और बोलती है हम तो बच्चे के साथ टाइम बिता रहे हैं। ये कहाँ का टाइम बिताना हुआ भैया? ये टाइम बिताना इसको नहीं बोलते हैं। क्वालिटी टाइम जो होता है वो स्पेशली आपके और बच्चों के बीच ही होना चाहिए, उसमें कोई भी तीसरा नहीं होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा ना, आप बच्चे को डीपली समझोगे और बच्चा आपको अच्छे से समझेगा, जो समझना बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए। ओके, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मार पिटाई। मार पिटाई तो बिल्कुल मत करो पेरेंट्स। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को, कोई कोई पेरेंट्स, हम नहीं मतलब 100% नहीं, बट फिर भी काफी हद तक पेरेंट्स बच्चों को डांटते, मारते, पीटते। अगर बच्चों ने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी तो वो डांटते हैं या फिर मारते हैं। तो क्या मारने से आपके और डांटने से बच्चा आपकी बात सुनता है? या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? वो कभी नहीं सुनता है, और सुनेगा भी ना तो प्रेशर में आके सुनेगा, जो उसके फ्यूचर में बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। देखिए, बच्चों को कभी भी नहीं मारना चाहिए, वो बहुत नाजुक होते हैं, उनके साथ स्मूथली पेश आइए आप, बिल्कुल भी आपको नहीं मारना है ना डांटना है। हम पेरेंट्स क्या होता है ना,
हम पे इतना प्रेशर होता है, हम इतने डिप्रेस होते हैं और बच्चे बात नहीं मानते हैं और बच्चों पे हम सारा गुस्सा निकाल देते हैं, सारा डिप्रेशन बच्चों पे निकाल देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। आप पेरेंट्स बने हो, आपने बच्चा पैदा किया है तो उसकी परवरिश करना भी सीखो। डांटने मारने पीटने से बच्चा आपके नजदीक नहीं आएगा, ना ही आपकी बात मानेगा बच्चा, बल्कि आपकी आपसे दूर चला जाएगा। और फ्यूचर में जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, तब उसको वो बचपन वाली यादें ताजा होंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मार मार के मुझको बात मनवाई थी। तो वो आपका आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करेगा, फिर आपको बुरा लगता है कि अरे भाई मेरा पेरेंट्स मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। अगर आपने उसकी परवरिश में अच्छे से ध्यान रखा है तो वो बिल्कुल आपका ध्यान रखेगा फ्यूचर में। तो ये बात आप जान लीजिए, बच्चों को मार पिटाई नहीं करनी है बिल्कुल भी। वो जनरेशन गया जिन वो हम है जनरेशन जिनको हमारे पेरेंट्स हमको मारते थे, डांटते थे और हम चुपचाप उनकी बात मान लेते थे, वो भी ऑनेस्टली। ये जनरेशन कुछ अलग है, कुछ हटके। भगवान ने इनको फुर्सत से बनाई है, इनमें एक डिवाइन पावर के साथ भेजा है भगवान ने इनको। तो इनके साथ बिल्कुल वैसे ही पेश आइए जो समय है। देखिए जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता जाएगा, वैसे भी हमें भी चेंज होना पड़ेगा। पुरानी बात लेके बैठोगे कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें डांट के मार के पीट के बड़ा किया तो हम भी यही, तो ये बिल्कुल गलत है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों का ध्यान रखना। हम पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। कई पेरेंट्स कैसे होते हैं, बच्चे बाहर निकल गए हैं और कुछ भी अनप शनप बोल रहे हैं, गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं और पेरेंट्स हंसते, कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं कि बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बल्कि हंसते। तो ऐसा करने से बच्चों बच्चे में जो है जो बुरी आदत है वो और बढ़ती जाएगी। बल्कि बच्चे जहां भी गलत करें वहां आप टोकिए। और दूसरे टाइप के पेरेंट्स कैसे होते हैं कि बच्चों का इतना सारा ध्यान रखते हैं, इतना सारा ध्यान रखते हैं कि उनको बाहर ही नहीं निकलने देते, बाहर की कोई भी गेम नहीं खेलने देते उनको। बाहर अगर मिट्टी में भी खेलता है, बालू में भी खेलता है तो उसको टोकते हैं। ऐसा नहीं करना है पेरेंट्स, आपको टोकना नहीं है बात बात में। उनको कुछ फ्री भी रहने दो, उनको कुछ इंडिपेंडेंट रहने दो। अगर वो बालू में खेल रहा है, मिट्टी में खेलना है, खेलने दो ना, होने दो गंदे कपड़े और देखो वो क्या क्रिएटिव कर रहा है। उससे आपको उसकी हॉबी पता चलेगी कि हमारे बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। ओके तो बच्चों का मतलब बिल्कुल ध्यान रखो। ऐसा भी नहीं है कि जब भी वो गलत करे तो उसके साथ उसको अच्छे से समझाओ और सही बात क्या है आप एग्जाम्पल देके बता दो। और जहां भी बच्चा गलत मतलब बाहर कुछ क्रिएटिव कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको आप अप्रिशिएट करो। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अप्रिशिएट। हमें बच्चों को हर छोटे से छोटे अच्छे काम में अप्रिशिएट करना चाहिए। हम पेरेंट्स बच्चों की प्रेज बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि जब भी वो गलत काम करता है उसमें जो खामी है उसको हम निकाल निकाल के बाहर लाते हैं। तो क्या होता है ना, अगर आप बच्चों की खामी देखोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, खुश नहीं रहेगा। और वो खुश नहीं रहेगा तो उसके फ्यूचर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो एज अ पेरेंट्स हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को अप्रिशिएट करें। क्यों ना वो चाहे बहुत ही छोटा सा वर्क हो, कुछ कुछ भी उसने अच्छा किया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आए हैं, वो रिस्पेक्ट से पेश आ रहा हो, वो आपकी हर बात मान रहा हो, मेहमानों का आदर मान सम्मान कर रहा हो, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी प्रेस कीजिए। पता है आपको ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को अपनी बात मनवाने का। क्योंकि मैं भी यही करती हूँ कि जब भी घर में कोई गेस्ट आते हैं वो मस्ती करता है तो मैं क्या करती हूँ, उसकी प्रेस करती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये देखो मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है। आपको बुला के नहीं बोलना है, मेहमानों से नहीं कहना है कि देखिए आ जाओ आओ, और ये देखो मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, ऐसे पकड़ के नहीं बोलना है, वो साइड पे खेल रहा हो और आपको बात ऐसे करनी है कि वो सुन रहा हो। ओके तो ऐसे ही हमें करना है कि बच्चों को अप्रिशिएट करना है, उनकी खामी नहीं देखनी है। पेरेंट्स प्लीज उसकी अच्छाइयां देखो ताकि वो क्रिएटिव बने।
और अप्रिशिएट करने से उसमें एवरीडे डेली कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की भावना पैदा होती है। इसको क्या लगता है, आज मैं अच्छा काम करूंगा ताकि आज मेरे पेरेंट्स मुझको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, तो ये भी बहुत जरूरी है अप्रिशिएट करना। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। अब आप बोलोगे बच्चा तो इतना छोटा है, रिस्पॉन्सिबल उसको कैसे बनाए? देखिए, बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, उसको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो आप। देखिए, अगर आप बच्चों को फैसिलिटी ही देते रहोगे तो बच्चा आपका मैच्योर नहीं हो पाएगा। बच्चा ना ही कोई चीज की कद्र करेगा, ना ही कोई इंसान की कद्र करेगा। देखिए, अगर आपको आपके बच्चे का फ्यूचर आपको ब्राइट और सक्सेसफुल बनाना है, हैप्पी बनाना है, तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमको बचपन में ये फैसिलिटी नहीं मिली तो हम अपने बच्चों को दें। बिल्कुल दीजिए, आपका बच्चा है, आप पेरेंट्स हैं, आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, बिल्कुल दीजिए उसको फैसिलिटी। बट फैसिलिटी के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, प्लीज, ये बहुत जरूरी है। फैसिलिटी ही आप देते जाओगे तो वो फैसिलिटी ही मांगेगा बड़ा होके भी, उसकी डिमांड ही रहेगी, वो कोई भी चीज की कद्र नहीं करेगा। देखिए, हमें हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना है, सफल बनाना है, तो इसके लिए हमें बच्चे को मैच्योर करना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा अभी 3 साल का है, तो मैंने उसको आदत डाली है, मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बेटा आप जब भी रोज स्कूल से आओ तो अपना लंच बॉक्स खुद निकालो, और खाने की प्लेट वो खुद ही लाता है, और खाने के बाद प्लेट खुद रखनी चाहता है। तो ऐसे आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने बच्चे को दे सकते हो। बच्चा और बड़ा हो जाए फिर थोड़ी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल उसका स्कूल बैग पैक वो खुद करे स्कूल बैग, और अपने छोटे से भाई बहन का ध्यान रखे। और बड़ा हो जाए बच्चा, फिर आपके घर में हो रहे हुए फंक्शन जिसमें आप प्लानिंग करते हो उसमें उस बच्चे को साथ बिठाइए और उसकी भी राय लीजिए। इससे क्या होगा ना, बच्चे का माइंड पावर भी बढ़ेगा। तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएगी अगर उनका भविष्य अच्छा चाहते हो तो। क्योंकि आप ये सोचो कि हमारे टाइम में इतना ट्रैफिक है, इतने कंपटीशन है, तो बच्चों के फ्यूचर में क्या होगा, समझ रहे हो? ये जनरेशन 2030, 2040, 2050 वाली है, तो इनका फ्यूचर आप थोड़ा सोच के और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए प्लीज। अकेली फैसिलिटी से आपका बच्चा बिल्कुल मैच्योर नहीं होगा। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरिजन। हम पेरेंट्स अपने बच्चों की कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर हमारे बच्चे के परसेंटेज कम आते हैं एनुअल एग्जाम में, तो हम उसको बोलते हैं अरे देख, तू वो अपने फ्रेंड के साथ खेलता है, तू सौरभ के साथ खेलता है, देखो सौरभ के कितने अच्छे परसेंटेज आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आए, सीखो उससे कुछ। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कुछ नहीं रह पाता है। अगर आप कोई भी बात अपने ऊपर लेके देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा आपसे कहे कि पापा, या फिर मम्मा से कहे, मम्मा देखो मेरे फ्रेंड की मम्मा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो आप भी उनसे सीख के आओ, बहुत अच्छा बनाओगे। या फिर आपके हस्बैंड आपसे कहें कि देखो मेरे फ्रेंड की वाइफ बहुत अच्छा, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनाती है, तुम इससे जरूर सीखना, तो आप सोचो आपको कितना हर्ट होगा। तो क्या बच्चों को नहीं होता है? आप प्लीज इस बात को डीपली समझिए कि आप अपने बच्चे की कंपैरिजन कभी भी दूसरे बच्चों से मत कीजिए, ये उसके बाल मन पे बहुत ही गहरा असर डालती है। अभी आपको ये बातें बहुत ही छोटी लग रही होगी ना, बट यही बातें फ्यूचर में बड़ा रूप ले लेती हैं, जो उनको बहुत ही हर्ट होता है। तो प्लीज बच्चों की कंपैरिजन किसी के भी साथ मत कीजिए, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। ओके, तो ये थी मेरी कुछ बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स जो आपको बेस्ट पेरेंट्स बना सकती हैं, अगर आपने ये बातें फॉलो की, ये टिप्स फॉलो की तो। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताइए, ताकि मुझको बहुत अच्छा लगेगा।
और आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली को। और अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सेफली पहुंचे और आप मेरे चैनल से जुड़ सको। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ और भी जानना हो तो आप देख सकते हो चैनल पे क्लिक करके। बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियो, पेरेंटिंग टिप्स के भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो है और न्यू न्यू रेसिपीज भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करिए। धन्यवाद। थैंक यू।